इसी बीच एक और बड़ी खबर, ग्रुप डी के लिए सीईटी परीक्षा की तारीख का ऐलान। 21 और 22 अक्टूबर को होगी सीईटी की परीक्षा। आयोग और एनटीए अधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया है। जल्द सभी परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट लेगा कर्मचारी चयन आयोग। दिव्यांग परीक्षार्थियों को नजदीक के सेंटर में बिठाया जाए, एचएसएससी का है ये कहना है। महिला परीक्षार्थियों के भी सेंटर पास ही होने चाहिए, ये एचएसएससी की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर, 21 और 22 अक्टूबर को होगी सीईटी की परीक्षा। ग्रुप डी के लिए सीईटी परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया है। आयोग और एनटीए अधिकारियों की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। जल्द सभी परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट कर्मचारी चयन आयोग भी लेगा। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि दिव्यांग परीक्षार्थियों को नजदीक के सेंटर में बिठाया जाए और महिला परीक्षार्थियों के भी सेंटर पास ही होने चाहिए, ये कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कहा गया है। 21 और 22 अक्टूबर को सीईटी की परीक्षा होगी, ये बड़ी खबर बता दें। आयोग और एनटीए अधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया है। जल्द सभी परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट लेगा कर्मचारी चयन आयोग। दिव्यांग परीक्षार्थियों को नजदीक के सेंटर में बिठाया जाए, ये कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कहा गया है। तो महिला परीक्षार्थियों के सेंटर भी पास हों और जो दिव्यांग है उन्हें भी ज्यादा परेशानी ना हो, इस लिहाज से सेंटर पास होने चाहिए। 21 और 22 अक्टूबर को सीईटी की परीक्षा होगी। आयोग और एनटीए अधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया है। जल्द सभी परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट कर्मचारी चयन आयोग लेगा।